बेड़िया के नवीन मिर्ची मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ और मिर्ची खरीदी शुरू करवाने की मांग को लेकर बुधवार को सैकड़ों किसान सड़क पर आ गए और आक्रोशित किसानों ने 5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। आंदोलन कर रहे किसानों ने बताया कि नवीन मिर्ची मंडी इन दिनों समस्याओं का केंद्र बनी हुई है। यहाँ किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए पेयजल व्यवस्था तक नहीं है। मंडी में व्याप्त असुविधाओं के कारण व्यापारी खरीदी नहीं कर रहे हैं। इस कारण किसानों की बेशकीमती मिर्ची की उपज बर्बाद हो रही है। किसान नेता इंदर बिरला और विजय चौधरी ने कहा कि निमाड़ का किसान पहले ही आर्थिक संकटों से जूझ रहा है और अब किसानों की मिर्ची नहीं बिक पा रही है। किसान मौसम की मार और आर्थिक तंगी के कारण दोहरी कठिनाइयों से जूझ रहा है। मिर्ची की फसल नकदी फसल है और किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है। किसानों ने भारी कर्ज लेकर मिर्ची के बीज खरीदे हैं और कड़ा परिश्रम कर अपनी फसल को मंडी तक लाए हैं, लेकिन किसानों को नई मिर्ची मंडी में भारी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार साथियों, मैं किसान पुत्र विजय चौधरी। आज कृषि उपज मंडी में लगभग 500 किसानों ने मुगरा आंदोलन किया, जिसमें बहुत सी कमियां थी, जैसे समतलीकरण नहीं हुआ, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है पीने की, और उसके साथ ही हमारे जो किसान भाइयों की मांग थी कि जो पुरानी मिर्ची मंडी थी वहीं पर अपना माल बेचेंगे, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मानी है और 4 दिन का आश्वासन दिया है कि हम वहां पर आपका समतलीकरण करवा के और किसानों की उचित व्यवस्था करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो इसके बाद निवाड़ के सारे क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन करेंगे और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेंगे। तो शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द नवीन मिर्ची मंडी में सुधार करें, अन्यथा पुरानी मिर्ची मंडी में सुचारू रूप से चला है ताकि क्षेत्र के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे। धन्यवाद। किसानों ने मंडी के बाहर अवैधानिक तरीके से चल रहे व्यापार को रोकने की मांग भी की है। मृदुभाषी के लिए विपिन जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।